नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाजा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूँ कि एक्सेस लैंड क्या होता है। दोस्तों, एक्सेस लैंड उस लैंड को कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके खतियान में 50 डिसमिल जमीन अंकित है, जो प्लॉट आपके नाम से या आपके बाप दादे के नाम से अंकित है। तो ये 50 डिसमिल जमीन है, और जब उस प्लॉट को आप नक्शा पर नापी करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो उसका नाप आता है 1 एकड़। जबकि खतियान में 50 डिसमिल लिखा हुआ है और मैप बता रहा है कि वह 1 एकड़ भूमि है, तो ये जो 50 डिसमिल जमीन फाजिल हो रहा है, यह एक्सेस लैंड है, जो कि आपके खतियान में यद्यपि अंकित नहीं है, लेकिन वह आपकी भूमि होती है और आपके अधिकार में रहता है। परंतु इस तरह के भूस्वामी कभी कभी भारी भूल कर बैठते हैं, और जब उन्हें पैसे की आवश्यकता होती है तो वह समझते हैं कि हमारे पास 1 एकड़ भूमि है, इसमें से 50 डिसमिल जमीन हम बिक्री कर देंगे, तो 50 डिसमिल जमीन मेरे पास में सुरक्षित रहेगा। तो ये जो इसका जो सेल डीड बनेगा 50 डिसमिल का, वो खतियान से बनता है। खतियान में आपका 50 डिसमिल जमीन अंकित है, और जैसे ही आप 50 डिसमिल जमीन ट्रांसफ़र करते हैं किसी अन्य व्यक्ति को, तो उसके साथ साथ जो एक्सेस लैंड उससे जुड़ा हुआ है वह भी ट्रांसफ़र हो जाता है, जो आपको पता नहीं चलता है, और बाद में आपको इस बात का पता लगता है। यदि इस तरह के भूस्वामी चाहते हैं कि हमारा एक्सेस लैंड सुरक्षित रहे, तो उन्हें चाहिए कि उसमें से कम 2-4-5 डिसमिल जमीन सुरक्षित अपने पास रखें, और शेष जमीन को वह बिक्री कर सकते हैं। यदि आपने संपूर्ण जमीन को बिक्री कर दिया, तो उसके साथ साथ आपका एक्सेस लैंड भी समाप्त हो जाएगा, और जिस व्यक्ति को आपने 50 डिसमिल जमीन ट्रांसफ़र किया है, वह एक्सिस लैंड उसका हो जाएगा, आपका अधिकार उस जमीन पर से समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा, फिर अगले कानूनी वीडियो का आप इंतज़ार करें। और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।